इंसानों और जानवरों में कितना ही फर्क क्यों ना हो, लेकिन दोस्ती भी इन दोनों में कमाल की होती है। बात चाहे कुत्ते बिल्लियों की हो या किसी छोटे बड़े जानवर की, सभी अपने पेट से काफी प्यार करते हैं। यही नहीं, कई जानवर तो इतने प्यारे और क्यूट लगते हैं कि आप उन्हें देखकर उनसे दूर रह ही नहीं सकते। हालांकि आपको इस बात से वाकिफ हो जाना चाहिए कि ये क्यूट इनोसेंट जानवर आपके लिए काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे प्यारे जानवर मौजूद हैं जो अपने एक वार से सामने वाले को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्यूटेस्ट बट वेनमस एनिमल्स विच कैन कॉस्ट योर लाइफ। स्लो लॉरेस। टेडी बेयर जैसे दिखने वाले ये जानवर टेडी से भी ज्यादा क्यूट होते हैं, ये आपके साथ खेल भी सकते हैं। स्लो लॉरेस दिखने में किसी मिनिएचर से कम नहीं लगते, लेकिन खबरदार, इनकी क्यूट लिटिल आंखों पर फिदा होने से पहले आपको अपनी जान के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि दो पल के प्यार के चक्कर में आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इस जानवर को जैसे ही किसी डर की आहट महसूस होती है, ये अपने प्यारे दांतों से सामने वाले इंसान को काट लेते हैं, और इनकी एक बाइट में ही काफी ज्यादा पॉइजन होता है जो आपकी जान ले सकता है। पोलर बेयर। बेयर यानी भालू सबसे प्यारा और क्यूट जानवर है जो अपने में ही मस्त रहता है, लेकिन फ्लफी से दिखने वाले ये भालू काफी डेडली भी साबित होते हैं। इन क्यूट बेयर्स में कई बेयर्स प्रेडेटर्स होते हैं, जिनमें पोलर बेयर्स भी काउंट किए जाते हैं। काफी शान से दिखने वाले इन बेयर्स का सामना इंसान से काफी कम होता है, जो अपने आप में ही एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर खाली पेट इन्होंने किसी जानवर या इंसान को भी देख लिया तो ये उस जानवर को काफी दूर तक दौड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ये तब तक उस इंसान को चेस करते हैं जब तक उसे हजम ना कर जाए। एक बार अगर आप इनके हाथ लग गए तो ये आपके साथ कितना बुरा कर सकते हैं, यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेपर्ड सील। अपनी प्यारी सी सूरत और कमाल के इनोसेंट फेस के साथ लेपर्ड सील किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। ये छोटे से जानवर इंसानों का दिल तो दो मिनट में जीत लेते हैं, जिसके कारण कोई भी इन्हें छूना चाहेगा। इनकी स्लिक स्किन इनकी क्यूटनेस में चार चांद लगा देती है। पानी में घूमते और खेलते वक्त आपका मन अगर इनके पास जाने का करे तो ऐसी गलती कभी ना करे, क्योंकि ये काफी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इवन कई बार तो ये रिसर्चर्स तक को हर्ट करने से बाज नहीं आते। इनका एक अटैक आपको जिंदगी भर का दर्द दे सकता है। ये जहां अटैक करती है वहां लाइफ टाइम का डैमेज होना कंफर्म है। ऑटर्स। ऑटर दिखने में बड़े अडोरेबल होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में इन्हें काफी क्यूट माना जाता है, लेकिन आप इसके अपीयरेंस और एक्सप्रेशन पर मत जाइएगा। ये दिखने में भले ही प्यारे हो पर वार बड़ा खतरनाक करते हैं। ऑटर्स की असलियत जानने के बाद आप वो सब भूल जाएंगे जो आपको इसके बारे में पहले से पता है। ये जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में इनकी लगभग 13 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से मोस्टली सी ऑटर और रिवर ऑटर के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि सी ऑटर की तुलना में रिवर ऑटर स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग टीथ और पावरफुल बाइट इंसान के लिए जरूर खतरनाक है। इसीलिए अगर आपका इस अनोखे जानवर के साथ सामना होता है तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी हो जाता है। इनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अगर जैगुआर को इस एनिमल से खतरा हो सकता है तो फिर इंसान क्या चीज है। ऊपर से इनके बाइट से रेबीज फैलने का भी खतरा होता है। प्लैटिपस। अब आपको एक ऐसे ही एनिमल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो ऑटर और डक दोनों के अपीयरेंस को मैच करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लैटिपस की, जो दिखने में थोड़े अजीब है। कई लोगों को ये क्यूट लगते हैं तो कई लोगों को बेहद अजीब, लेकिन जो भी है असल में क्यूट और अजीब से ज्यादा तो ये खतरनाक है। इसलिए इसके अमेजिंग लुक को देखकर आप इसे अपनी गोद में उठाने के लिए बेकरार हो जाएंगे, लेकिन खबरदार, क्योंकि इन्हें गोद में उठाने के कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दरअसल मेल प्लैटिपस के पैरों में एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जहां से वेनमस लिक्विड निकलता है। वैसे तो ये जहरीले होते हैं, लेकिन अब तक इसके इफेक्ट से किसी इंसान की मौत की बात सामने नहीं आई है। हाँ, ये पेनफुल जरूर होता है, इसलिए आप इसकी क्यूटनेस पर फिदा होकर इन्हें अपने घर ले जाने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वेनम का इस्तेमाल ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते हैं। पफर फिश। पफर फिश दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉइजनस वर्टिब्रेट है। इस मछली के ऑर्गन सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी मछलियों के लिए भी खतरनाक होते हैं। इनसे निकलने वाला टॉक्सिन आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
आप ये जानकर हैरानी में पड़ जाएंगे कि पफर फिश में इतना पॉइजन पाया जाता है कि इससे लगभग 20 से 30 लोगों की मौत हो सकती है। बावजूद इसके, इस मछली को जापान के लोग बड़े ही आराम से खाना पसंद करते हैं। इस मछली को बनाने के लिए भी एक प्रोफेशनल कुक की जरूरत पड़ती है। यह मछली इतनी खतरनाक है कि इसके पॉइजन से इंसान को ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और नर्वस सिस्टम डैमेज जैसी परेशानियां हो सकती है। स्टिंगरे। स्टिंगरे नाम की यह फिश इतनी प्यारी है कि इसकी एक स्माइल आपका भी दिन बना देगी। इस फिश को अगर आप थोड़ी सी भी गुदगुदी करेंगे तो ये किसी बेबी की तरह ये प्यारी सी स्माइल के साथ सिकुड़ जाती है। इसे देखकर आपका भी मन बार बार इसके साथ खेलने का ही करता रहेगा। मरीन लाइफ में इस फिश को वैसे तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इसकी क्यूटनेस के कारण कई लोग इसे अपने एक्वेरियम में भी रखते हैं। पर इसे घर लाने से पहले आपको इसकी भोली सी सूरत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। इस फिश की अमेजिंग बॉडी स्ट्रक्चर को तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन सारा राज इसके लॉन्ग टेल में छुपा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि अगर इसने अपनी पूंछ से किसी को स्टंग कर दिया तो ये हमला काफी पेनफुल होता है, साथ ही इससे इन्फेक्शन का खतरा भी रहता है। ज्यादातर डाइवर्स या रिसर्चर्स इसका शिकार होते हैं। नेशनल कैपिटल पॉइजनस कंट्रोल सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 1.5 से 2,000 तक स्टिंगरे अटैक्स के मामले सामने आते हैं, जो कि ज्यादातर लेग्स या फीट में ही हमला करते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेज़न के जंगल में अगर सबसे खतरनाक जानवरों की बात की जाए तो इस लिस्ट में पॉइजन डार्ट फ्रॉग को शामिल करना कैसे भूल सकते हैं। इन फ्रॉग्स का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन आप इसके साइज पर मत जाइएगा, क्योंकि ये अपने साइज से कई ज्यादा बड़े जानवरों से भी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग फ्रॉग्स की एक ऐसी प्रजातियां है जो कि अपने रंग बिरंगे डिजाइनिंग बॉडी के लिए जानी जाती है। इनकी बॉडी पर कलरफुल लाइन्स मौजूद होती है जो इन्हें देखने में काफी अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन इनकी ब्यूटी देखकर आप गलती से भी इन्हें छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन्हें छूने भर से किसी इंसान की मौत हो सकती है। ये फ्रॉग इतने पॉइजनस होते हैं कि बस इन्हें टच करने से ही लगभग 10 से अधिक लोगों की जान जा सकती है। रकून्स। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी का यह कैरेक्टर कोई फिक्शन नहीं बल्कि इस धरती पर पाया जाने वाला एक जानवर है, जो दिखने में भले ही प्यारा और क्यूट है, लेकिन असल में ये आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। देखा जाए तो इस जानवर में वैसे तो कोई पॉइजन नहीं है, लेकिन इसके बाइट से रेबीज होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और रेबीज हम इंसानों के लिए बेहद हार्मफुल है, इसीलिए इस एनिमल को हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। वैसे इंसानों पर रकून के हमले का रिकॉर्ड काफी कम है, फिर भी आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इनके क्लॉज काफी शार्प होते हैं और खतरा महसूस करने पर ये स्क्रैच कर सकते हैं, जो कि इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। यूरोपियन मोल। स्मॉल, क्यूट और टॉक्सिक एनिमल्स की इस लिस्ट में अब बारी है एक ऐसे जीव की जो मिट्टी खोदने में माहिर होता है। हालांकि समस्या ये नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि ये बड़े अनोखे तरीके से अपने शिकार को पैरालाइज कर सकते हैं। यूरोपियन मोल का सलाइवा बेहद वेनमस माना जाता है कि शिकार पर पड़ते ही वो वही ढेर हो सकता है। इसके बाद ये अपने शिकार को बाद में खाने के लिए स्टोर करके भी रखता है। अब आप ही बताइए, इतने खतरनाक जानवर को कोई कैसे अपना दोस्त बना सकता है, चाहे ये कितने भी क्यूट लगे। इन एनिमल्स में से आपको सबसे डेडली कौन सा लगा, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम लेकर आएंगे एक नया और अनोखा वीडियो। तब तक आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।